दुख मेरे साथ साथ चलते हैं। आजा मेरा बच्चा, रख दे इधर। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे आजा, माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है भाई, कमाल कर दिया तुम लोगों ने आज तो, है ना? चल तो अंदर चली जा, मैं बुला रही हूँ तेरे को। हेलो, ये सब क्या कह रही हैं आप? वही जो सच है। मामा मुझे बताए बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हैं? किस तरह की आप, मैं नहीं जानती, लेकिन कर लिया है। आपको कैसे पता चला? मेरा मतलब है किसने बताया आपको? मैंने ये सब खुद अपनी आंखों से होते हुए देखा है। दिल की इतनी ताकत आवाज को संभालने में नहीं लगी जितने चेहरे के तासुरात को। लेकिन मैंने यही जाहिर किया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार रोक रही थी, वरना मैं सबके सामने जोर जोर से रोने लगती। आप फिक्र ना करें, मैं कल रात को वापस आ जाऊंगा। आप बस वादा करें, वादा करें कि मेरे साथ फिर से कुछ गलत नहीं होगा। जी वादा। आप फोन रखे, मैं कुछ करता हूँ। खुदा हाफिज। और हेलो, जा देख कोई ग्राहक आया या नहीं। ए आसमा, इतनी जिंदगी गुजार दी तूने अपने आप को साबिर साबित करते करते, अब देख जरा खुद को। बेटी से भी छोटी बच्ची बनी हुई है इस वक्त तू। हाँ भाईजान, हुकुम करो, क्या चाहिए? 3 दर्जन समोसे और 20 रोल। 3 दर्जन? जी। मतलब 36? कभी जिंदगी में आपने इकट्ठे 3 दर्जन समोसे नहीं बेचे? नहीं। क्या? नहीं मतलब है, नहीं क्यों नहीं, कोई मसला नहीं है, अभी देता हूँ ना। अच्छा जरा जल्दी। दो मिनट भाई जान। ये ले, मेरा वादा पूरा हो गया।
मेरी हर हलाल की पहली कमाई। मस्जिद के गले में डाल दे, अल्लाह और बरकत डालेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओ, एक घास आया है। मैं आ रहा हूँ, आ जा। फवाद बात कर रहा हूँ। फवाद बात कर रहे हो तो करते रहो ना, चुप क्यों हो गए? यही आवाज सुनने के लिए तो जिंदा हूँ मैं आज तक। तुम कैसी हो? कैसी हो? कैसी हो सकती हो? बिल्कुल उस मरीज की तरह जो अचानक एक जानलेवा बीमारी से उठे और बिल्कुल ठीक हो जाए। इतना ठीक के भूल जाए कि कभी बीमार भी था। मुझे कुछ कहना है तुमसे। कुछ? तुम सब कुछ कहो। मामा रिश्ता लेके आई थी? रिश्ता नहीं, जिंदगी। जिंदगी लेने आई थी वो मेरी, और वो कामयाब हो गए। देखो मैं जिंदा हूँ और सलामत थी। वो दरअसल मुझे बताए बगैर आ गई। ये तुम खुद रिश्ता लेने आना चाह रहे थे? तुम समझ नहीं रही हो। तो तुम समझाओ ना। देखो सानिया, मैं जो तुमसे बात कहने जा रहा हूँ वो प्लीज किसी और से मत कहना। क्या कहना चाहते हो तुम सानिया? मामा मुझसे पूछे बगैर आ गई थी। अगर मुझे पता होता तो कभी नहीं जाने देता। क्यों? क्यों नहीं जाने देते तुम? क्योंकि मैंने किसी और से निकाह कर लिया, और वो भी अपनी खुशी से। डॉक्टर साहब ने कहा था कि मामा को भी शौक ना मिले, इसलिए प्लीज तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ। मजाक करने की आदत नहीं गई ना अभी तक तुम्हारी। फवाद प्लीज सानी, मेरी आखिरी बार मदद कर दो। तुम आखिरी दफा मुझे बचा लो फवाद। कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ सानी। अब मेरी खुशियों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में, चाहो तो बचा लो, चाहो तो मार दो। ऐसा तो नहीं ताबीर मुझे भी बाकी बहुत से लड़कों की तरह वक्त गुजारी करने वाला समझ रही है? वरना ऐसी कोई कमी नहीं है मुझ में।
कि वो बात करते हुए भी ज्यादा देर मेरी तरफ ना देखे। शादी की बात करूंगा तो लगेगा उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके घर रिश्ता ले जाता हूं, उसको बदले में यकीन मिल जाएगा और अगर मेरे खुदा ने चाहा तो इंशाल्लाह मुझे ताबी। गुस्से में शीशा तोड़ा था ना तो साथ दिल भी टूट गया था। मेरी कसम से इस बार जब मैं आई ना मैं कमरे में दाखिल हुई पहले मैंने अपनी गलती मानी उसके बाद मैं कमरे में आई। प्लीज आ जाओ देखो कुछ कुछ बोल दो इससे पहले कि मैं मर जाऊं। मेरा पछतावा हाथ में मेरी मौत का परवाने लिए तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है। तुम प्लीज कुछ बोल दो इससे पहले कि तुम्हारी खामोशी मुझे मार दे। कहां जाएगी मुझे तुम्हारी खामोशी। देखो ये तुम पहले भी करती हो, तुम यही कहीं छुपी होती हो पर तुम एकदम से आती हो मुझे डरा देती हो। मुझे पता तुम अभी मुझे डरा दोगी। देखो जल्दी से आ जाओ मेरे सामने आज। तुम्हारा कहा हुआ एक एक लफ्ज सच निकला। वो भूलो जैसे खुशबू में लिपटा हुआ सच, वो सच नहीं वो गम था। वो गम था। तुम प्लीज आ जाओ मैं मर जाऊंगी। तुम प्लीज आ जाओ आ जाओगा तुम बचा सकती हो मुझे। प्लीज वापस आ जाओ मेरे साथ। मेरे सिर्फ तुम बचा सकती हो। सानिया आ जाओ प्लीज वापस आ जाओ। सानिया मत करो मेरे साथ। सानिया बेटा सानिया से कहना वापस आ जाओ। सानिया मैं उसे क्या वापस आ जाओ। वो चुप क्यों खड़ी हुई है? वो मान ही नहीं रही है मेरी बात। क्या हुआ बेटा क्या? सानिया नहीं मालूम मेरी बात में कह रही हूँ। मैं बनाने आई हूँ। मैंने अपनी गलती बात की। मेरे घर में कमरे में कदम रखा। बेटा सानिया 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 बेटा सानिया सानिया क्या करूं मैं इसका? सानिया क्या हो गया इसको? सानिया सानिया बेटा सानिया वापस कब तक आओगे? मामा रात 12 बजे तक आ जाऊंगा। 2 घंटे का तो रास्ता है हैदराबाद का। ऐसा करो कि ताबीर को अपने साथ ले जाओ, अपनी दादी से मिलाएगी। Why not? I wouldn't mind. मैं चाबियां लेके आया मामा। ताबीर जी ताबीर गाड़ी हैदराबाद जा रही है, तुम्हें अपनी दादी से मिलने जाना है। वो तो मुझे जाना है। ठीक है फिर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं वापसी पे देर ना हो जाए। चले हैदराबाद? हाँ शहरियारी तो जा रहा है। इसके साथ जाना पड़ेगा? कोई बात नहीं ताबीर, ये जो बेचैनी का बोझ है दादी की गोद में सर रखते ही हल्का हो जाएगा। 2 घंटे का सफर है, बर्दाश्त कर ले इसे। क्या हुआ? कुछ नहीं वो सामान। चले चले। ओके मामा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। गाड़ी आहिस्ता चलाना। ओके मामा। मामा मुझसे कुछ वगैरह भी
अगर मुझे पता होता तो कभी नहीं जाने देते, क्योंकि मैंने किसी और से निकाल डाली और वो भी अपनी खुशी से तुम्हें इस रिश्ते से इनकार करता। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ। प्लीज सानी, मेरी आखिरी बार मदद कर। अब मेरी खुशियों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में, चाहो तो बचा लो, चाहो तो मार लो। सॉरी, पानी मिल गया आप? तू कैसी है? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो जीते रहो। खाली हाथ आते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी क्या जरूरत थी। बैठो ना बैठो। बाजी, अंदर कैसे आई? बाहर का दरवाजा खुला था, अंदर के सब दरवाजे बंद हैं। मैं तो सर्वर क्वार्टर में होता हूँ, साहब होते हैं तो दरवाजा खुला रहता है, वरना सफाई के लिए खुलता है। हसन कहाँ है? अभी चले गए। कहाँ? लंदन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा होता जा रहा है। कितनी खूबसूरत आंखें मेरे बच्चे की, मुस्कुराता कितना प्यारा है। बिस्किट लीजिए ना। थैंक यू। बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है दादी की। मैं समझी नहीं बेटा। मेरे कहने का मतलब है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के, उनसे बात करके, उनके इर्द गिर्द रह के काफी सुकून मिलता है। आप यकीनन उनमें से एक हैं। अरे जीते रहो बेटा। भाई हम तुम्हें दुआ के सिवा और क्या दे सकते हैं? बहुत कुछ। क्या मतलब? अरे तुम समझी नहीं, दुआ के लिए कह रहा है, सुलझा हुआ बच्चा है ना बेटा। दादी मैं आपसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? नहीं, आपने जो कहना है यहाँ सबके सामने कह दीजिए। ताबीर क्या हो गया है? अगर वो बात करना चाह रहे हैं तो करने दो। चलो अब हम बाहर जाते हैं। आप ही, आप मेरी बात। ताबीर क्या हो गया तुम? चलो उठो, चाय रखो। मैं आ जाऊँ।
15 मिनट गुजर गए बेटा। अरे कुछ कहना चाहते हो और कहते कहते फिर ठहर जाते हो। बात बहुत जरूरी है पर मुश्किल भी। भाई जो ज्यादा जरूरी हो वो कह दो। जरूरत ज्यादा जरूरी है तो कह दो ना बेटा। ताबीर बहुत अच्छी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। अरे कोई नेकी थी हमारी जो अल्लाह ताला ने हमें ताबीर जैसी प्यारी बेटी दी है। मुझे पसंद है। मैं समझी नहीं क्या कहना चाहते। मैं शादी करना चाहता हूँ। ताबीर का हाथ मांगने आया हूँ। सानिया क्या हो गया मेरी बच्ची को? सानिया, सानिया। आप तो खामोश हो गई हैं। कुछ गलत कह दिया है मैंने? मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं दादी। आपकी ताबीर को बहुत खुश रखूंगा। मैं आती हूं अभी। अभी आती हूं। अनुष दादी। अल्लाह पानी ला। क्या? अरे पानी ला, पानी ले। दादी आप जल्दी बैठ जाओ। दादी हुआ क्या है? ना कुछ ना कुछ। अरे पानी ला जल्दी, पानी ले। दादी पानी। अल्लाह खैर, मेरा दिल बैठा जा रहा है। दादी ठीक हो जाए। हुआ क्या है? क्या हुआ? अरे मैं ठीक हूँ बेटा, मगर वो बच्चा जो बातें कर रहा है ना वो ठीक नहीं है बिल्कुल। क्या क्या कहा उसने? शहरयार तुमने क्या कहा है दादी से? ना बेटा, फवाद का भाई है, मत चिल्लाओ उसके ऊपर। तुमने क्या कहा है? हाथ मांगा है आपका। क्या बात की है तुमने? मैंने क्या गलत कहा? अब जानते हैं कि ये कौन है। आप ही कुछ नहीं कहेंगे। आपको कुछ भी नहीं। क्या नहीं बताएंगी? ताबीर बात यहां तक आ गई और तुमने इसे बताया नहीं? अभी तुम्हें कैसे बताती? फवाद की कसम ने मेरे जबान पर ताले लगाए हुए। कौन सी कसम? क्या नहीं पता मुझे। अभी खामोश हो जाओ ताबीर। तुम्हारी खामोशी इसे आज यहां तक ले आई है। बात क्या है? बात ये है दादी कि ताबीर फवाद के निकाह में है। भाभी है तुम्हारी। माफ कर दे, मैं बिल्कुल नहीं जानता। कुछ नहीं पता था ना वीर। मुझे नहीं पता था ना। मुझे माफ कर दे। अच्छा
बस साथ साथ चलते हैं, दुख मेरे आस पास चलते हैं, दुख यही है कि सुख नहीं कोई, दुख मेरे राजदार चलते हैं। मैं चलती लावे अंधेरा क्यों किया हुआ है, वहशत हो रही है। शुक्र है तुम आ गए। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? बस सारा घुटन सी हो रही है, दिल घबरा रहा है। अल्लाह खैर करे। आप फिक्र ना करें, मैं आ गया हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा आज? रॉन्ग राइट। अच्छा अब तुम चेंज कर लो, मैं रेस्ट कर रही हूँ, ठीक है? जी मैं आता हूँ आपके पास। ओके बेटा। शरियार, भाई मुझे माफ कर दे भाई। अरे शरियार क्या हुआ? शरियार ये शरियार को क्या हुआ? उसने दादी से मेरा रिश्ता मांग लिया था। What? तो तुमने मुझे बताया क्यों? मैंने बताने की बहुत कोशिश की। अच्छा वेट, मैं देख के आता हूँ उसे। शेरियार 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 भाई माफ कर दे भाई, मैं अपनी नजरों में बिल्कुल गिर चुका हूँ भाई। ऐसा कुछ नहीं है, माँ भी तो माँ जैसी होती है ना। मैंने यार तुझे पता नहीं था, मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है भाई, ऐसा लग रहा है फट जाएगा। अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, मुझे सांस नहीं आ रहा। इससे पहले ये एहसास मुझे मार दे, मैं अपने आप को मार दूंगा। शरियार क्या कह रहे हो? शरियार शरियार भाई, आई डोंट डिजर्व यू। आई डोंट डिजर्व यू। शरियार क्या बच्चों वाली हरकत है ये? लीव इट, आई से लीव इट। या अल्लाह खैर। भाई 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 फवाद, क्या हुआ? वो खुदाया, ये क्या हुआ है? फवाद बेटा उठो, फवाद आगे खोलो बेटा। शेरियार क्या हुआ है?
गाड़ी निकालो जल्दी से। मामा मैंने कुछ नहीं किया मामा, तू भी गलती से हुआ है मामा। क्या हुआ है इसे? I was only trying to kill myself, मामा। उठाओ इसे, हॉस्पिटल ले जाना है। उठाओ। मेरा बेटा, मेरा बेटा। आसमा, आसमा। जी दादी। अरे इधर आ बेटा, बैठ मेरे पास। क्या हुआ दादी? अरे कोई बात ही कर, सोने के लिए लेटी थी, नींद ही नहीं आ रही, दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। दादी आप फिक्र ना करें, तभी ठीक होगी। तेरा दिल कहता है कि ऐसा होगा? जी दादी, मेरा दिल कहता है। अच्छा, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सब अच्छा रखे। इंशाल्लाह। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। या अल्लाह सब खैर रखना मेरे मौला। बेटा, डॉक्टर, डॉक्टर, मामा मैंने कुछ नहीं किया था मामा, जस्ट एन एक्सीडेंट मामा। पेशेंट फवाद के साथ कौन है? वो रहे। फवाद के साथ आप हैं? मामा जी मैं हूं। कैसे हो ये सब कुछ? ये सब कुछ इसने किया। आपने अपनी आंखों से देखा है? जी। तबीर, गोली की आवाज सुनने के बाद मैं जैसे ही कमरे में पहुंची, फवाद साहब जमीन पे खून में लथपथ थे और उसके हाथ में पिस्तौल थी। संतरी, गिरफ्तार करो इसे। मामा मैंने कुछ नहीं किया। ताबीर क्या कह रही हो तुम? ताबीर इंस्पेक्टर साहब, इसे कोई गलत नहीं, वो सब बाद में, आप हमारे साथ चलें। मामा मैंने कुछ नहीं किया। मामा मेरी बात तो सुने आप, इसे गलत फहमी हुई है कोई। इंस्पेक्टर साहब, शहरयार, शहरयार एक मिनट, आप अपना वकील लेके थाने आइएगा। दुख मेरे साथ साथ चलते हैं, दुख मेरे आस पास चलते हैं, दुख मेरे आस पास चलते हैं।